हेलो गाइस दिस इज प्रीति शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ सो so, प्रीवियस लेक्चर में हमने सल्फाइड्स ऑफ़ फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रा किए थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल वो सॉल्व कर लिए थे आज हम शुरू करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉसफॉरस के साथ सो so, इसमें भी डिफरेंट कंपाउंड्स देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे एंड so, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो सब सबसे पहले स्ट्रक्चर uh, आना चाहिए आपको स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हो ऑक्सो एसेड ऑफ फॉसफोरेस का सो so, ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख लो इनसे आप इजिली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो मिनिमम वन पी ओ बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए सेकेंड पॉइंट मिनिमम वन पी ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए थर्ड पॉइंट फोसफोरस एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए मतलब टेट्राहेड्रल होगा फोर्थ पॉइंट फोसफोरस की पेंटावेलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए मतलब फाइव बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए अगर आप ये पॉइंट्स याद रख लोगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ठीक है सो इन इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस आएंगे वहां पे आपको कुछ ऐसा यूनिट मिलेगा पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड यहाँ पे थ्री बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए फोर एंड फाइव इसके साथ कोई भी ग्रुप फर्दर या फिर कोई भी आइटम अटैच हो सकता है अब ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस में आपके पास आते हैं ऑर्थोफोस्फोरस एसिड ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड पायरोफोस्फोरस एसिड पायरोफोस्फोरिक एसिड मेटाफोसफोरस एसिड मेटाफोस्फोरिक एसिड एंड हाइपोफोसफोरस एसिड हाइपोफोस्फोरिक एसिड ठीक है सो so, इन सबके स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं आने चाहिए स्ट्रक्चर्स याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद कर सकते हो सबसे पहला ट्रिक तो यही है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है फोस्फोरस की फोसफोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आ रही है तब आपको आर ओ यू एस वर्ड एंड एंड में ऐड करना पड़ेगा मतलब जैसे ओर्थोफोस्फोरस है ठीक है तो ओर्थोफोस्फोरस एसिड में जो फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्लस थ्री होगी और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे आती है जब एंड में रिक हो मतलब ओर्थोफोस्फोरिक एसिड है तो वहाँ पे फोस्फोरस प्लस फाइव स्टेट में होगा तो पहला ट्रिक तो ये है दूसरा मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ ये नंबर्स आपको याद रखने हैं ऑर्थो केस में सिक्स सेवन पायरो के केस में नाइन इलेवन नाइन और इलेवन मेटा के केस में थ्री फोर हाइपो के केस में फाइव एंड टेन ठीक है ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंपाउंड में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं ये नंबर अगर आप याद रख लोगे तब आपको याद हो जाएंगे ठीक है अब हम फॉर्मूला लिखते जाते हैं और उसके बाद टेली करेंगे कि ये जो लिखा है ये करेक्ट है या नहीं है सो so, सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ सो सॉरी ऑर्थोफोस्फोरस एसिड के साथ यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आएगा H3PO3 थ्री एच थ्री पी ओ थ्री हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देखो यहाँ पर सिक्स हैं और हमने भी ऑर्थो फोस्फोरस एसिड में सिक्स लिखा हुआ है अब इसमें एक और नाम होता है इसका जिसमें कन्फ्यूज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्थोफोस्फोनिक एसिड ठीक है तो फोस्फोरिक एसिड और फोस्फोनिक एसिड में कन्फ्यूज़ नहीं होना है फोस्फोनिक एसिड ऑर्थोफोस्फोरिस एसिड को ही ऑर्थोफोस्फोनिक एसिड बोला जाता है सो सेकेंड ऑक्सो एसिड आया आपके पास ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड सो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एच थ्री पी ओ फोर ये फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत बार यूज किए हैं ये दोनों एच थ्री पी ओ फोर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देखो सेवन आ रहे हैं पायरोफोस्फोरस एसिड एच फोर पी टू ओ फाइव आएगा फोस्फोरस एसिड का फॉर्मूला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइन आ गया आपके पास उसके बाद अगर हम पायरोफोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो एच फोर पी टू ओ सेवन ठीक है यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इलेवन आ गए मेटाफोसफोरस एसिड का फॉर्मूला एच पी ओ टू है और मेटा फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा एच पी ओ थ्री ठीक है सो so ये भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे आपको थ्री मिल रहे थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे फोर मिल रहे हैं तो यही लिखा हुआ है हमने थ्री एंड फोर अब इन चारों में आपको पी ओ पी बॉन्ड्स मिलेंगे ठीक है इनमें पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट हाइपोफोस्फोरस एसिड एंड हाइपोफोस्फोरिक एसिड अब इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा डिफरेंस क्या मिलेगा कि यहां पे फोस्फोरस प्लस थ्री या प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है सो फॉर्मूला हाइपोफोस्फोरस एसिड का फॉर्मूला आपके पास आएगा एच थ्री पी ओ टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फाइव आएंगे एंड हाइपोफोस्फोरिक एसिड में फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास एच फोर पी टू ओ सिक्स यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टेन आ रहे हैं ठीक है सो so, अब इनकी ऑक्सीजेशन स्टेट यहाँ पे फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन आती है और यहाँ पे फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर आती है ठीक है सो ये भी बात आपको याद रखनी है फॉर्मूले में हेल्प करेगी यहाँ पे पीपी पी, -पी बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे पीपी पी, -पी बॉन्ड प्रेजेंट होता है ठीक है अब यहाँ इनके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बेसिसिटी के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन आयनाइजेबल हाइड्रोजन फोर्थ क्वेश्चन पी थर्टी वन एनआर स्पेक्टर के ऊपर पूछा जा सकता है सो so, uh, अब रिड्यूसिंग हाइड्रोजन और आयनाइजेबल हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है अगर फोस्फोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन ठीक है hydrogen, ये आपके पास क्या होगा रिड्यूसिंग हाइड्रोजन और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड होंगे अगर पीएच बॉन्ड इंक्रीज करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करती है ठीक है मोर रिड्यूसिंग पावर होगी इसकी रिड्यूसिंग पावर होगी सो so, आपको पी एच पॉन्ड्स देखने हैं जहाँ पे पी एच पॉन्ड ज़्यादा होंगे वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये भी बात आप याद रख सकते हो आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है पी ओ एच ग्रुप होगा ठीक है ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम आयनाइजेबल हाइड्रोजन बोलेंगे अब बेसिसिटी ये ओ एच ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अगर एक ओ OH एच होगा तो उसको मोनोबेसिक बोलते हैं दो ओ OH एच होंगे तो उसको डायाबेसिक बोलेंगे अगर, अगर कंपाउंड में तीन ओ ग्रुप है तो उसको ड्रायाबेसिक बोलेंगे ठीक है पी थर्टी वन एनमा स्पेक्ट्रम तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करेगा सो so, शुरू करेंगे फर्स्ट ऑक्सो एसिड के साथ और एसिड मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देखेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन पी सी एल थ्री की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ यहाँ पे क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे ओ ग्रुप से ठीक है सो आप यहाँ पे देख सकते हो एच थ्री पी ओ थ्री आ गया बट ये वाला स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं होता इसकी डिफरेंट टोटोमेरिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है पी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे ओ एच एंड ओ एच ये आ गया, आ गया आपके पास स्ट्रक्चर एच थ्री पी ओ थ्री का और थोफोसफोरस एसिड का सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ तो आपको ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो फोस्फोरस की होगी ऑक्साइड में वही ऑक्सो एसिड्स में होनी चाहिए फोस्फोरस की नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं सो so, स्ट्रक्चर में देखो मिनिमम एच थ्री पी ओ थ्री का स्ट्रक्चर देख रहे हैं मिनिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए पी डबल वन ओ एक ओ एच प्रेजेंट होना चाहिए ये भी प्रेजेंट है अब हमें किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एच थ्री पी ओ थ्री का ठीक है सो दो ऑक्सीजन यूज़ हो गए दैट मीन एक ऑक्सीजन और यूज होगा सो so यहाँ पे ओ OH आएगा एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया ठीक है अब जो भी हमने कंडीशंस पहले लिखी थी स्टार्टिंग uh, में वो सारी देखो फुलफिल हो रही है फोस्फोरस फाइव बॉन्ड्स है, एक मिनिमम ओ बॉन्ड है पी डबल बॉन्ड ओ एक ओ एच बॉन्ड है पी एच oh पॉन्ड है एंड बाकी हमने देखा कि कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं और स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर लिया अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है हमें कि जो पी के साथ डायरेक्टली एच अटैच होता है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन और जो एसिड्स हैं यहाँ पे जो फोस्फोरस के ऑक्जो एसिड्स हैं इनकी रिड्यूसिंग पावर इसी एच के ऊपर डिपेंड करती है जितने ज़्यादा पी एच होंगे उतनी ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी अब ये जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं हम आयोनाइजेबल नाइजेबल हाइड्रोजन्स ठीक है और जितने ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी सो so, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिसिटी सो so, यहाँ पे देखो दो ओ एच ग्रुप हैं तो बेसिसिटी टू आ जाएगी या फिर हम बोलेंगे दिस इज डायबेसिक इन नेचर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक है आयनाइज़ेबल हाइड्रोजन दो प्रेजेंट है अब उसके बाद रिएक्शन कर रहे हैं ये एच थ्री पी ओ थ्री एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है आयनाइजेबल हाइड्रोजन है ये रिमूव होंगे और आपके पास यहाँ पे बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तब यहाँ पे आ जाएगा एन ए और एच एक चला गया एच पॉजिटिव सो यहाँ पे एच टू आ जाएगा एंड पी ओ थ्री आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद एक और हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन है तो फिर से यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन हो सकती है फिर से बेस के साथ रिएक्शन होगी तब आपको मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मिलेगा एन ए टू हाइड्रोजन चला गया एक सो so एक हाइड्रोजन बचा है एंड पी ओ थ्री अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसका कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा पी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वो चले गए ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे भी ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन वैसा ही रहेगा ठीक है मतलब अगर हम एन ए टू एच पी ओ थ्री की रिएक्शन फर्दर बेस के साथ कराना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि आयनाइजेबल हाइड्रोजन बचे नहीं हैं ठीक है, है? यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन की पी के ए वैल्यू आती है टू पॉइंट ज़ीरो सेकेंड हाइड्रोजन की पी के ए वैल्यू आती है सिक्स पॉइंट टू ठीक है सो इससे आप क्या पता लगा सकते हो कि जो फर्स्ट हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है फर्स्ट हाइड्रोजन की पीके ए वैल्यू कम है दैट मीन वो मोर एसिडिक होगा अब ये जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है ये एनएमआर में डिटेक्ट नहीं होते मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रम uh, की अगर हम बात करते हैं तो ये अपना कोई सिग्नल नहीं देंगे ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेक्ट्रल uh, लाइंस के ऊपर कि हाउ मेनी लाइंस हमें मिलेंगी एनएमआर स्पेक्ट्रम में सो so यहाँ पे देखो अब ये वाले जो हाइड्रोजन है ये फोस्फोरस एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है बट ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये डिकपल नहीं करेंगे ये अपना कोई सिग्नल नहीं देंगे एन में ये डिटेक्ट नहीं होते सो so यहाँ पे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला वही लगेगा ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है टू एन ए आई प्लस वन एंड टू एन बी आई प्लस वन फोस्फोरस डीकपल करेगा हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन डीकपल करेगा फोस्फोरस के साथ ठीक है सो so, आपके पास एन ए मतलब एक ही हाइड्रोजन है सो so वन आ जाएगा आई की वैल्यू वन बाय टू होगी प्लस वन आ गया और उसके बाद फोस्फोरस भी एक ही है सो so वन आ जाएगा वैल्यू वन बाय टू होगी आई की प्लस वन आ गया So, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी टू इंटू टू फोर ठीक है और इसको अगर हम आ, स्पेक्ट्रा में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको लिखते हैं डबलेट ऑफ डबलेट डबलेट ऑफ डबलेट मतलब ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा पहले डबलेट आएगा फिर उसके बाद डबलेट आएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस वन टू थ्री फोर आके ठीक है अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड पी थर्टी वन स्पेक्ट्रा एंड एफ नाइनटीन एन एम आर स्पेक्ट्रा सो यहाँ पे पी थर्टी वन एन एम आर स्पेक्ट्रा एंड एफ़ नाइनटीन एन एम आर स्पेक्ट्रा बताना है हमें इस मॉलिक्यूल का सो so सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए एच थ्री पी ओ थ्री के साथ आप कंपेयर कर सकते हो इसको एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है फ्लोरीन के साथ सो पी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे तो अब ऑक्सीजन के साथ हम फ्लोरीन नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सो so ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे भी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन आएगा सो so ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा अब आपको P31 थर्टी स्पेक्ट्रा के बारे में बताना है सो so फॉर्मूला वही लगेगा टू एन आई प्लस वन ठीक है आप फोस्फोरस किसके साथ डिकपल करेगा यहाँ पे फ्लोरीन के साथ और यहाँ पे एन ए की वैल्यू वन होगी आई की वैल्यू वन बाई टू होगी प्लस वन आ गया ये कट हो जाएगा तब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको मिलेगा डबलेट ठीक है एफ नाइनटीन एन आर स्पेक्ट्रम के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना होगा टू एन बी आई प्लस वन अब फ्लोरिन साथ कपल करेगा फोस्फोरस के साथ सो so यहाँ पे एन बी की वैल्यू भी आपके पास वन है आई की वैल्यू वन बाई टू होगी प्लस वन ये कट जाएंगे और आपके पास यहाँ पे भी आएगा डबलेट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ऑक् एसिड आता है ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड सो पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे सो so, uh, वही मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन रिपीट होंगे बस ऑक्साइड डिफरेंट होगा और पी सी एल थ्री की जगह पी सी एल फाइव मॉलिक्यूल होगा सो फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ फोस्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्जो एसिड मिलेंगे यहाँ पे फोस्फोरस प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे जो ऑक्जो एसिड मिलेगा एच थ्री पी ओ फोर मिलेगा जो कि ओर्थोफोस्फोरिक एसिड है यहाँ पे फोस्फोरस प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा पी सी एल फाइव की रिएक्शन सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वाटर के साथ हो रही है वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है तब आपको यहाँ पे अगेन एच थ्री पी ओ फोर ही मिलेगा ठीक है पी ओ सी एल थ्री की रिएक्शन हो रही है अगेन वाटर के साथ ठीक है तो यहाँ पे आपको एच थ्री अब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगी एच थ्री पी ओ फोर ओर्थोफोस्फोरिक एसिड मिलेगा ये तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गए ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड के अब स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखो यहाँ पे एक हमने फोस्फोरस मिनिमम पी ओ प्रेजेंट होना चाहिए ये हमने लगा दिया ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए ये हमने लगा दिया बाकी बचे दो बॉन्ड्स ठीक है अब यहाँ पे देख लो आप दो ऑक्सीजन यूज़ हो गए हैं पर फोर ऑक्सीजन है तो दो और बचे हैं तो दैट मीन्स हमने ये दो ऑक्सीजन लगा दिए ठीक है बाकी अब आपके पास दो हाइड्रोजन बचे हैं एक हाइड्रोजन यूज़ हो गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा सो so ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया एच थ्री पी ओ फोर का अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ईजी है ये तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन ये तीनों अब आपके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो आपके पास यहाँ पे आके थ्री रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट नहीं है जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच हो ज़ीरो बेसिसिटी थ्री ओ एच क्रूप प्रेजेंट है तो बेसिसिटी थ्री आ जाएगी या फिर आप बोल सकते हो दिस इज टेसिक इन नेचर अब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ इसकी सो ठीक है यहाँ पे क्या होगा अब यहाँ पे ये वाला प्रोटोन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है वाटर तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा सॉरी मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन एच टू पी ओ फोर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे एंड एच थ्री ओ पॉजिटिव आ जाएगा उसके बाद अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन के साथ प्रोटोन लगा हुआ है एक और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है तो फर्दर फिर से वाटर के साथ रिएक्शन हो सकती है तो आपके पास एच पी ओ फोर टू नेगेटिव प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव आ जाएगा अब फिर से यहाँ पे एक और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है तो अगेन वाटर एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे बचेगा पी ओ फोर थ्री नेगेटिव ओ फोर थ्री नेगेटिव प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव सो फर्स्ट प्रोटोन की पी के ए वैल्यू आपको मिलेगी पी के ए वैल्यू टू पॉइंट ज़ीरो सेकेंड प्रोटोन की पी के ए वैल्यू आपको मिलेगी सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू एंड थर्ड प्रोटोन की पी के ए वैल्यू आपको मिलेगी ट्वेल्व पॉइंट टू सो जैसे जैसे प्रोटोन लूज़ होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जा रही है फर्स्ट प्रोटोन जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है अब अगर हम यहाँ पे एनिमर स्पेक्ट्रम के बारे में भी देख सकते हैं पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड अगर इसकी हीटिंग कराई जाए ठीक है दो मॉलिक्यूल्स ये हुए हैं ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड की 373 सेवेंटी थ्री कैलविन में अगर हम हीट कराएं तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ठीक है सो so, इसका डबल कर दो एंड वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो इजी है ये डबल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास एच सिक्स आ जाएगा पी टू आ जाएगा एंड ओ एट आ जाएगा ठीक है अब इसमें से हमने एक वाटर बाहर निकाल देना है तो एच फोर रहेंगे पी टू आ जाएगा एंड ओ सेवन आ जाएगा सो एच फोर पी टू ओ सेवन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं आपके पास इलेवन आ रहे हैं दैट मीन्स ये और सॉरी पायरोफोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है ये किसका फॉमूला है पायरोफोस्फोरिक एसिड सो अगर हम ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड को हीट करें इसके दो तो मॉलिक्यूल्स मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन करें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा पायरोफोस्फोरिक एसिड लाइक वाइज ये सेम रिएक्शन हम यहाँ पे भी करा सकते हैं ऑर्थोफोस्फोरस एसिड सो एच थ्री पी ओ थ्री एच थ्री पी ओ थ्री इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको और यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी हीटिंग वाटर बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पे जस्ट क्या करना है इसको डबल कर दो H6 आ जाएगा P2 आ जाएगा O6 आ जाएगा और उसमें से वाटर को बाहर निकाल दो सो so, आपके पास यहाँ पे बचेगा H4 P2 O5 टू यहाँ पे थ्री था ठीक है और यहाँ पे आपके पास फाइव बचेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइन ना आ रहे हैं और तो सॉरी पायरोफोस्फोरस एसिड का ही फॉर्मूला है सो पायरोफोस्फोरस एसिड की प्रिपरेशन आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे थे नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी पायरोफोस्फोरिक एसिड ये आपके पास क्या आ गया है पायरोफोस्फोरिक एसिड आ गया है अब इसकी रिएक्शन ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड के साथ हो रही है तो डायरेक्टली आप इजी इजीली कर सकते हो ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एच सेवन पी थ्री एंड ओ इलेवन और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो यहाँ से एच टू ओ बाहर निकल जाएगा तब आपके पास क्या बचेगा एच फाइव थ्री ओ टेन प्लस वाटर आ गया ठीक है तो ऐसे आप रिएक्शंस कर सकते हो अब नेक्स्ट फोसफोरिस ऑक्सो एसिड की बात करते हैं पायरो एसिड आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये ऑलरेडी हमने देखी है सबसे पहले हमें ऑर्थोफोस्फोरस एसिड बनाना पड़ेगा जो कि हम बनाएंगे आ, फोस्फोरस ऑक्साइड से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच थ्री पी ओ थ्री अब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हीटिंग होगी और आपको यहाँ पे मिल जाएगा एच फोर पी टू ओ फाइव ठीक है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा अब ये आप फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो आपने क्या किया सबसे पहले ऑर्थोफोस्फोरस एसिड का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे ओ OH एच है ओ OH एच है एंड हाइड्रोजन है एक प्लस इसका एक और मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ओ एच आ गया अब ओ एच आ गया एंड हाइड्रोजन आ गया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको एक पी ओ पी बॉन्ड मिलेगा यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और यहाँ पे आप देख सकते हो पी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे बाकी फॉर्मूला आप वैसे ही रहने दोगे ओ OH. एच एंड यहाँ पे ओ पी ओ पी बॉन्ड मिल गया यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे ओ OH एच आ जाएगा ठीक है सो so, ये फॉर्मूला आ गया ये स्ट्रक्चर ये आ गया आपके पास पायरोफोस्फोरस एसिड का बस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड दो प्रेजेंट है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन ये भी रिड्यूसिंग जो फोस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है ये भी आपके पास टू आ गए आयनाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है सो so, ये भी दो आ गए ठीक है और उसके बाद बेसिसिटी दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिसिटी भी आपके पास टू आएगी ठीक है सो ये हमने uh, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली अब पी थर्टी वन एन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अगर यहाँ पे देखें तो इस फोस्फोरस के साथ एक हाइड्रोजन एक ओ एच डबल बॉन्ड ओ एंड पी ओ बॉन्ड लगा हुआ है सेम यहाँ पे भी एक पी ओ बॉन्ड है डबल बॉन्ड ओ है हाइड्रोजन है ओ OH. एच ओ एच है दैट मीन्स इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है तो ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे पी थर्टी वन एनआर स्पेक्ट्रम में सो so यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद इसके भी कुछ रिएक्शंस कर सकते हैं हम सो पायरोफोस्फोरस एसिड एच फोर पी टू ओ फाइव पायरोफोस्फोरस एसिड है इसकी रिएक्शन हो रही है ऑर्थोफोस्फोरस एसिड एसिड के साथ so यहाँ पे सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शन देख लेते हैं इन दोनों को ऐड करोगे सो आपके पास आ जाएगा H7 सेवन सो सेवन से दो हाइड्रोजन चले गए फाइव आ जाएगा P3 आ जाएगा एंड ऑक्सीजन अब एट आ रहे हैं तो यहाँ पे सेवन आ जाएंगे ठीक है प्लस वाटर बाहर निकल गया अब इसके स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो सबसे पहले यहाँ पे फोस्फोरस O एंड यहाँ पे आपके पास OH था हाइड्रोजन था एंड पी ओ पी बॉन्ड था उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ एच एंड यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है अब इसकी रिएक्शन हो रही है और एसिड के साथ यहाँ पे ओ एच आ जाएगा यहाँ पे ओ एच आ गया एंड एक हाइड्रोजन है ठीक है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा हीटिंग कंडीशन दी हुई है और आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा पी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ओ एच OH, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ओ देन पी देन ये डबल बॉन्ड ओ वैसे ही रहेगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक और पी ओ पी बॉन्ड मिल गया आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ OH एच आ जाएगा एंड हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है सो ये स्ट्रक्चर आ गया आप अब इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स मिल रहे हैं आपको और पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स थ्री मिल रहे हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन वन टू थ्री है आयनाइजेबल हाइड्रोजन टू प्रेजेंट है बेसिसिटी भी दो एच को प्रेजेंट है तो टू ही होगी अब पी थर्टी वन एन एम आर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स मिलेंगे सो so अब ये वाला फोस्फोरस और ये वाला फोस्फोरस देखो इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है इस फोस्फोरस का डिफरेंट है सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको टू टाइप के टू uh, सिग्नल्स मिलेंगे दो सिग्नल्स uh, मिलेंगे ठीक है अब यहाँ पे आपसे ये रिएक्शन भी पूछी जा सकती है एच फाइव पी थ्री ओ सेवन की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जस्ट आपको यहाँ पे देखना है कि कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है ठीक है सो so यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा ये वाला प्रोटोन चला जाएगा अगर बेस के साथ रिएक्शन होगी तब आपको यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा एन ए टू आ जाएगा दो हाइड्रोजन चले गए हैं एच थ्री आ जाएगा पी थ्री आ जाएगा एंड ओ सेवन ठीक है तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आयोनाइजेबलबल हाइड्रोजन के ऊपर जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है उतने ही वो चले जाएंगे एंड उसकी जगह पे सोडियम आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ये स्ट्रक्चर देखो कंडेंसेशन रिएक्शन से ड्रॉ कर रहे हैं एच टू पी थ्री ओ सेवन का स्ट्रक्चर हमें डायरेक्टली ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे ठीक है सो so, इसके लिए आपको जस्ट ये बातें याद रखनी है कि नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होंगे जितने फोस्फोरस प्रेजेंट है उससे एक सप्ट्रैक्ट कर लो तो पी एन माइनस वन होगा नंबर ऑफ यहाँ पे पी ओ पी बॉन्ड्स पी एन माइनस वन पी ओ बॉन्ड्स पी एन जितने फोस्फोरस प्रेजेंट हैं उतने ही पी ओ ब्ड प्रेजेंट होंगे बेसिसिटी रिमेनिंग ऑक्सीजन ठीक है ये जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा रिमेनिंग ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि देखो पी ओ पी में कितने ऑक्सीजन यूज हुए हैं और यहाँ पर जितने ऑक्सीजन यूज हुए होंगे उससे उसके बाद फॉर्मूले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो तो यहाँ पर अगर हम पी ओ पी बॉन्ड्स की बात करें नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स कितने आएंगे थ्री आएंगे क्योंकि फोर है यहाँ पे फोर माइनस वन थ्री आ गए पी ओ पी बॉन्ड्स कितने आ गए थ्री आ गए पी ओ आपको फोर मिलेंगे जितने फोस्फोरस हैं उतने ही आप यहाँ पे बेसिसिटी ऑक्सीजन कितने यूज़ हो गए थ्री प्लस फोर सेवन ऑक्सीजन यूज हो गए टोटल ऑक्सीजन कितने हैं नाइन है सो नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू ठीक है सो टू ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स बेसिसिटी आपके पास आ जाएगी टू ये अब स्ट्रक्चर uh, इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख लेते हैं सो so यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा आप फोर फोर्स लिख लो उसके बाद पी ओ पी बॉन्ड्स बना लो ये हमने बना लिए थ्री पी ओ पी बॉन्ड्स होंगे उसके बाद डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ पे जितने फोर्स हैं उतने ही डबल बॉन्ड ओ लगाओगे आप ये हमने लगा दिए उसके बाद अब आपको देखना है बेसिसिटी कितनी है टू है टू बेसिसिटी है दैट मीन्स दो ओ एच ग्रुप लगेंगे सो so एक ओ OH एच हमने यहाँ पे लगा दिया एक ओ OH एच हमने यहाँ पे लगा दिया अब हाइड्रोजन कितने यूज हुए हैं टू यूज हुए हैं ठीक है, है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यूज हुए हैं वन टू यूज़ हुए हैं और बाकी हाइड्रोजन कितने बचे फोर हाइड्रोजन बचे हैं ठीक है सो so, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया एच सिक्स पी फोर ओ नाइन का ठीक है इजी है ये अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं uh, पी थर्टी वन एन एम आर स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो so, अब आपको फोस्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट देखना है ये वाला फोस्फोरस एंड ये वाला फोर्सफोरस का सेम केमिकल इन्वायरमेंट है दैट मीन्स ये दोनों एक सिग्नल देंगे एंड ये वाले फोर्सफोरस का और ये वाले फोर्सफोरस का सेम केमिकल इन्वायरमेंट है तो ये दोनों अब एक सिग्नल देंगे सो so, यहाँ पे टोटल आपको टू सिग्नल्स मिलेंगे ये वाला फोसफोरस प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये वाला फोर्सफोरस प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये वाला फोस्फोरस भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है सो ईजिली आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो यहाँ पे उसके बाद अगर इसकी रिएक्शन एन के साथ कराएं तो आपको जस्ट ये देखना है कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं ठीक है आयनाइजेबल हाइड्रोजन जितने होंगे वो चले जाएंगे और उतने सोडियम आ जाएंगे सो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट एन ए टू आ जाएगा दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है एच फोर आ जाएंगे पी फोर आ जाएंगे एंड ओ नाइन आ जाएगा ठीक है सो so, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट आयनाइजेबल हाइड्रोजन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है नेक्स्ट ऑक्जो एसिड आता है आपके पास पायरोफोस्फोरिक एसिड सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगेन वैसे ही होगा ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड से हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड को प्रिपेयर करो ऑक्साइड ऑफ फोस्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है एच थ्री पी ओ फोर आपको मिलेगा इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हीटिंग होगी वाटर बाहर निकल जाएगा और आपके पास एच फोर पी टू ओ सेवन प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा ठीक है सो so, ये आ गया आपके पास पायरोफोस्फोरिक एसिड अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए सो so, ये तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे फोस्फोरस है एक ऑक्सीजन है यहाँ पे ओ है ओ है एंड ओ है, है एक और इसका यूनिट है फोस्फोरस ऑक्सीजन ओ एच ओ एच एंड ओ एच, औ -एच। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा हीटिंग में और आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा पी डबल बॉन्ड ओ पी ओ पी बॉन्ड आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ठीक है जितने फोस्फोरस हैं उससे कम एक पी ओ पी बॉन्ड होगा उतने ही पी ओ ब्ड लगेंगे और उसके बाद देखो अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं यहाँ पे आपको थ्री ऑक्सीजन यूज हो गए तो फोर ऑक्सीजन बचे हैं दैट मीन्स यहाँ पे एक ओ एच OH होगा यहाँ पे भी एक ओ एच OH होगा यहाँ पे भी एक ओ एच OH होगा एंड ओ एच OH होगा ठीक है अब इससे ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पी ओ पी बॉन्ड कितने प्रेजेंट है पी ओ बॉन्ड कितने प्रेजेंट है आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है सो so ये सारे आयनाइजेबल हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे एक भी नहीं मिल रहा उसके बाद रिएक्शन देखते हैं अब रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एच फोर पी टू ओ सेवन की रिएक्शन हो रही है एच थ्री पी ओ थ्री के साथ तो आप इनको ऐड कर दो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा एच सेवन पी टू सॉरी पी थ्री एंड ओ इलेवन ठीक है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो तब यहाँ पे आपको मिलेगा एच फाइव पी थ्री एंड ओ टेन ठीक है ये मिल गया एच फाइव पी थ्री ओ टेन मिल गया अब डायरेक्टली अब क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो आप नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है पी ओ पी बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट कर दो थ्री माइनस वन टू पी ओ पी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ पी ओ ब्ड्स जितने फॉस्फोरस हैं उतने पी ओ ब्ड प्रेजेंट होंगे ये हमने थ्री लिख दिए उसके बाद बेसिसिटी बेसिसिटी क्या है इन दोनों को ऐड कर दो ये आई आपके पास फाइव और टोटल हाइड ऑक्सीजन कितने हैं टेन हैं सो टेन माइनस फाइव कितने आएंगे फाइव सो बेसिसिटी आपके पास आ जाएगी फाइव ठीक है बेसिसिटी अब आपके पास आ गई फाइव आयनाइजेबल हाइड्रोजन भी कितने होंगे फाइव ही होंगे जितने ओ एच ग्रुप हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें आपको आयनाइजेबल हाइड्रोजन उतने ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन मिलेंगे और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन अब आपको बस ये देखना है कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हो गया है ओ एच ग्रुप फाइव हैं दैट मीन्स फाइव हाइड्रोजन यूज हो गए हैं सो so एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है सो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा ठीक है स्ट्रक्चर अब आप ड्रॉ कर सकते हो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो चाहे क्वेश्चन अब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे एक पी ओ पी बॉन्ड आ गया दूसरा पी ओ पी बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड ओ होगा डबल बॉन्ड ओ होगा एंड डबल बॉन्ड ओ होगा ठीक है उसके बाद फाइव ऑक्सीजन बचे हैं वन टू थ्री फोर फाइव यूज़ हो गए फाइव बचे हैं सो so, एक यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन दूसरा यहाँ पे आ जाएगा फाइव बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं यहाँ पे एक आ जाएगा एंड यहाँ पे भी एक एंड दो दो ऑक्सीजन आ गए हाइड्रोजन फाइव है ये हमने लगा दिए सो ये so, आपके पास स्ट्रक्चर आ गया फाइव ओएच OH ग्रुप है बी फाइव आ रही है आयनाइजेबल हाइड्रोजन भी फाइव आ रहे हैं एंड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन यहाँ पे जीरो है पी थर्टी वन एन एम आर स्पेक्ट्रम के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो so यहाँ पे देखो ये दोनों फोस्फोरस एक जैसे हैं ये वाले फोस्फोरस का अब डिफरेंट इन्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे दो सिग्नल्स मिलेंगे अब नेक्स्ट एच फाइव पी थ्री ओ टेन की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ सो so, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो पी ओ पी बॉन्ड है वो ईज़िली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ठीक है थीके? ये ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे ये हमने फोस्फोरस ऑफ ऑक्साइड्स में भी पढ़ा था और यहाँ पे आपको अगर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड ओ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा एंड ओ एच आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ठीक है सो so आप देख सकते हो पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच सो आपको यहाँ पे भी पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच सो एच थ्री पी ओ फोर के थ्री मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री पी ओ फोर उसके बाद अगर हम एच फाइव पी थ्री ओ टेन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं फाइव आयनाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये फाइव आयनाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे और सोडियम यहाँ पे आ जाएंगे तब आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा एन ए फाइव पी थ्री ओ टेन ठीक है अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो पी थ्री ओ टेन फाइव नेगेटिव सो so, अब हम शुरू करेंगे मेटाफोसफोरिस एसिड के साथ सो so, तो ऑक्सो एसिड ऑफोसफोरस में अगर आपको मेटावर्ड मिलता है तो आप यहाँ पे एक बात याद रखोगे कि ये साइक्लिक होंगे ठीक है साइक्लिक फॉर्म होगी फॉर्मूला एच पी ओ टू आएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन थ्री है जर्नल फॉर्मूला मेटाफोसफोरिस एसिड का एच पी ओ टू एन आता है ठीक है साइक्लिक फॉर्म होती है मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन देखेंगे सो तो जैसे कि हमने पायरो पायरोफोस्फोरस एसिड का को प्रिपेयर किया था वैसे ही मेटाफोस्फोरस एसिड को यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे पायरोफोस्फोरस एसिड के लिए हमने टू मॉलिक्यूल्स लिए थे ऑर्थोफोस्फोरस तो एसिड के हीटिंग कराई थी कंडेंसेशन रिएक्शन हुई थी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था और आपको लीनियर फॉर्म में एक मॉलिक्यूल मिला था अब मेटाफोजफोरेस एसिड क्योंकि साइक्लिक है तो मिनिमम आपको थ्री मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑर्थोफोजफोरेस तो एसिड के और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और आपको मेटाफोसफोरस एसिड मिल जाएगा कैसे मिल रहा है ये हम स्ट्रक्चर से देखते हैं सो so, यहाँ पे देखो ये हमने तीन मॉलिक्यूल्स बना लिए ऑर्थोफोसफोरस एसिड के अब यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते जा रहे हैं हीटिंग हो रही है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं और जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर बाहर निकल रहे हैं वहाँ पर पी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ये आ गया आपके पास पी बॉन्ड की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर आ गया मेटाफोसफोरस एसिड का अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्ट्रक्चर के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, आज मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगी सो so, ये हमने यूनिट ले लिया ये बेसिकली ये है सो uh, so, ऐसा कुछ है सारे ही फोसफोरस का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है ठीक है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस फोसफोरस की कैसे निकालेंगे ये ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है ठीक है सो so इसकी वजह से यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीन स्टेट आएगी फोसफोरस की ये हाइड्रोजन प्लस वन में है तो इसकी वजह से माइनस वन आएगी यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीजेशन स्टेट में होता है पर दो बॉन्ड्स बना रहा है दैट मीन्स फोसफोरस प्लस वन फोर्सफोरस के लिए प्लस वन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस फोर्सफोरस के लिए फर्दर प्लस वन ठीक है अब ये वाले ऑक्सीजन की वजह से भी लाइकवाइज प्लस वन आ जाएगी अब टोटल देखो यहाँ पे ये कट गया और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ठीक है सो so यहाँ पे फोर्सफोरस की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे भी प्लस थ्री होगी एंड यहाँ पे भी फोर्सफोरस की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अब ये भी बात याद रखनी है कि ये पी ओ पी बॉन्ड जो है वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराना चाहें तो ये ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और आपको और एसिड दे, दे देंगे ठीक है अब नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड्स वही सेम जो हम कहानी सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं पी ओ बॉन्ड्स थ्री आ गए पी डबल बॉन्ड ओ भी यहाँ पे थ्री आ रहे हैं ठीक है अब वो वाला फो अब यहाँ पे अब एक बात ये भी याद रखना कि जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे जो लीनियर फॉर्म्स थी वहाँ पे पी ओ पी बॉन्ड्स जितने फोस्फोरस थे उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर रहे थे बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ पी ओ पी बॉन्ड भी आ, जितने फोस्फोरस प्रेजेंट है साइक्लिक फॉर्म में उतने ही पी ओ पी बॉन्ड मिल रहे हैं हमें पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स यहाँ पे थ्री मिल गए रिड्यूसिंग हाइड्रोजन फोसफोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे सो so ये थ्री मिल रहे हैं हमें ये भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन आपको एक भी नहीं मिल रहा है सो so ये जीरो आ गए बेसिसिटी ज़ीरो आ जाएगी पी थर्टी वन एन स्पेक्ट्रम की बात करें तो so सारे फोस्फोरस का केमिकल uh, इन्वायरमेंट एक जैसा है तो सारे फोसफोरस पी थर्टी स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल देंगे ठीक है अब नेक्स्ट हम मेटाफोस्फोरिक एसिड के साथ शुरू करते हैं सो so, ये भी मेटा वर्ड है तो साइक्लिक होगा स्ट्रक्चर साइक्लिक है एंड यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला एच पी ओ थ्री आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फोर होते हैं ठीक है अब जर्नल फॉर्मूला यहाँ पे एन आ जाएगा ठीक है ठीक है और प्रिपरेशन जैसे कि हमने पायरोफोस्फोरिक एसिड की करी थी औरतोफोस्फोरिक एसिड की दो मॉलिक्यूल्स लिए थे हीटिंग कराई थी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था यहाँ पे क्योंकि साइक्लिक है तो मिनिमम थ्री मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे हमें थ्री मॉलिक्यूल्स ले लिए एच थ्री पी ओ फोर के सॉरी यहाँ पे हम लेंगे एच थ्री पी ओ फोर क्योंकि पायरोफोस्फोरिक एसिड है इसकी हीटिंग कराएंगे और आपके पास ये आ गया एच थ्री पी ओ फोर वन टू थ्री फोर इसके तीन मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हुए हैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप निकालते जाओगे बाहर सो so, जैसे कि ऊपर वाले केस में किया था वैसा ही यहाँ पे होगा जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे वहीं पे पी ओ पी बॉन्ड आ जाएंगे आपके पास और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे फोस्फोरस आ गया डबल बॉन्ड आ गया ओ आ गया पी ओ पी ओ पी आ गए ठीक है और एक एक आपके पास डबल बॉन्ड ओ है डबल वन ओ है बाकी ओ OH एच है ओ एच ओ एच ओ एच आ जाएगा ठीक है सो so ये स्ट्रक्चर आ गया अगेन आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो सर so यहाँ पे देखो ये माइनस टू है तो इसकी वजह से प्लस टू आएगी इस फोस्फोरस के में अब यहाँ पे भी ओ OH एच है तो माइनस वन है तो इसकी वजह से भी प्लस वन आएगी अब यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है बट एक बॉन्ड फोस्फोरस इसके साथ बना रहा है एक इसके साथ बना रहा है तो प्लस वन आएगा यहाँ पे लाइक वाइज यहाँ पे भी प्लस वन आएगा सो तो टोटल आप काउंट कर सकते हो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ठीक है सो मेटाफोस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलगी सारे फोस्फोरस की प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव केमिकल इन्वायरमेंट देख सकते हो सब सारे फोस्फोरस का इक्विवेलेंट है दैट मीन्स ये पी थर्टी वन एनवॉर्स में एक ही सिग्नल देंगे पी ओ पी बॉन्ड्स अगेन थ्री मिल रहे हैं आपको पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स थ्री मिल रहे हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन अब इसके केस में एक भी नहीं है फोस्फोरस के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन एक भी नहीं है आयनाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे आपको तीन मिलेंगे और बेसिसिटी भी आपको थ्री मिलेंगी क्योंकि थ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है P31 NMR स्पेक्ट्रम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको यहाँ पे सिग्नल्स uh, एक जैसे मिलेंगे ठीक है सो so ये हो गया और उसके बाद H3PO थ्री पी ओ पी थ्री ओ नाइन की रिएक्शन हम एन एच के साथ सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो आपको वही देखना है ये भी वैसे ही रिएक्शन कर रहे हैं ठीक है थ्री ओ एच ग्रुप है दैट मीन्स यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे सोडियम के साथ और आपको मिलेगा यहाँ पे एन ए थ्री पी थ्री ओ नाइन जिसको हम लिख सकते हैं पी थ्री ओ नाइन थ्री नेगेटिव यहाँ या फिर इसको ऐसे भी लिख सक लिखा हो सकता है पी ओ थ्री हमने थ्री बाहर ले लिया यहाँ पे एंड थ्री नेगेटिव ठीक है सो so ये जो भी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने गैदर कर ली अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है आपके पास डायरेक्टली दिया हुआ है एच थ्री पी थ्री ओ नाइन तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये साइक्लिक है या लीनियर है ठीक है सो so ये कैसे पता लगेगा इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो यहाँ पे आपके पास दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं एक फोसफोरस दोनों में सेम है ठीक है फोसफोरस दोनों में सेम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट है तो सो so, आपके पास ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा लीनियर है और कौन सा साइक्लिक है ये कैसे पता चलेगा बहुत इजी है देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था और तो फोस्फोरिक एसिड की हीटिंग कराई थी तो थ्री मॉलिक्यूल्स लिए थे जब साइक्लिक फॉर्म बनानी थी हमें थ्री मॉलिक्यूल्स लिए थे एच थ्री पी ओ फोर के और यहाँ पे जब कंडेंसेशन रिएक्शन हुई थी तो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही निकले थे ठीक है यहाँ पे हम थ्री मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एच थ्री पी ओ फोर के और थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही रिमूव हो रहे हैं बट अगर हमें लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ठीक है तो हमने यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स लिए हैं एच थ्री पी ओ फोर के और अगर लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे वाटर के आपको दो मॉलिक्यूल्स ही बाहर निकलेंगे ठीक है यहाँ से वाटर के दो मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा मतलब लीनियर के केस में ज़्यादा uh, कम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं और साइक्लिक के केस में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं अगर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन कम प्रेजेंट होंगे ठीक है सो so, यहाँ पर इस इस स्ट्रक्चर में देखो इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो फाइव हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल में देखें तो थ्री हाइड्रोजन है फोस्फोरस दोनों में थ्री थ्री ही है ठीक है सो so, यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट मींस ये लीनियर होगा इसका मतलब क्या हुआ ये लीनियर होगा क्योंकि यहां पे लेस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है और यहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट मींस कंपैरेटिवली यहां पे मोर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ होगा सो so ये आपके पास आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ठीक है इससे आप पता लगा सकते हो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री पी ओ फोर और दो वॉटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है और एक रिएक्शन में सेम थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री पी ओ फोर दिया हुआ है और यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रहा है ठीक है सो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो यहाँ पे सबको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो दो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा एच फाइव पी थ्री ओ टेन और यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास एच थ्री पी थ्री ओ नाइन ठीक है ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं दैट मीन्स वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अब हम अपने नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स की तरफ चलते हैं हाइपो ऑक्जो एसिड्स मतलब हाइपोफोस्फोरस एसिड एंड हाइपोफोस्फोरिक एसिड अब ये एसिड जितने भी ऑक्सो एसिड्स हमने पढ़े हैं उनसे वेरी करते हैं क्यों डिफरेंट है यहाँ पे क्योंकि हाइपोफोस्फोरिक एसिड के केस में फोस्फोरस होता है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड यहाँ पर फोस्फोरस होता है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखेंगे सो हाइपोफोस्फोरिक एसिड का होगा एच फोर पी टू ओ सिक्स एंड यहाँ पे फॉमूला होगा एच थ्री पी ओ टू ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे फाइव आते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन टेन आते हैं अब यहाँ पे फोसफोरस की प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई ये हमें स्ट्रक्चर से पता चलेगा एक्चुअल में इस ऑक्जो एसिड में पीपी बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे पी बॉन्ड प्रेजेंट होता है पीओपी बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता पीपी बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अब आप फॉर्मूला देख सकते हो कुछ ऐसा आएगा स्ट्रक्चर देख सकते हो सॉरी कुछ ऐसा आएगा इस फोस्फोरस के साथ मिनिमम एक पीओ बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए एक ओएच OH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बाकी एक बॉन्ड बचा वो देखते हैं यहाँ पे भी मिनिमम वन पी ओ प्रेजेंट होना चाहिए मिनिमम वन ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है ये आ गया अब आपके पास बचे हैं दो ऑक्सीजन एंड दो हाइड्रोजन सो so, यहाँ पे एक ओ OH होगा एंड यहाँ पे एक ओ OH होगा ठीक है सो so, ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर अब ऑक्सीजेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे ये माइनस टू है तो इसकी वजह से ये फोसफोरस पे प्लस टू आ जाएगा अब ये यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस वन आ जाएगा ये यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस वन आ जाएगा अब पी पी बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो आएगी इस फोसफोरस की वजह से सो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है प्लस फोर आ रही है टोटल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर आ रही है इस फोसफोरस की भी एंड इस फोसफोरस की भी अब यहाँ पे हम हाइपोफोस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं सो एक फोस्फोरस बना लिया मिनिमम एक पी ओ बॉन्ड बना लिया एक ओ एच आ गया दो ऑक्सीजन थे कंप्लीट हो गए बाकी दो बॉन्ड में अब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लगेगा सो ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर अब ये है आपके पास पी एच दो पी एच बॉन्ड आ रहे हैं दैट मीन्स दिस इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हमने बताया था कि जितने पी एच बॉन्ड होंगे उतनी ही रिड्यूसिंग पावर होगी तो ये स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी पी एच ग्रुप प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग uh, एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा अब पी ओ पी बॉन्ड्स की पी ओ पी बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है पी ओ ब्ड्स यहाँ पे दो प्रेजेंट है अगर हम बेसिसटी uh, की बात करें सो फोर होगी बेसिसिटी आयनाइजेबल हाइड्रोजन फोर है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे देखो बेसिसिटी वन होगी आयनाइजेबल हाइड्रोजन भी वन है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन टू प्रेजेंट है सो so, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली नेक्स्ट हम चलेंगे प्रिपरेशन की तरफ प्रिपरेशन सो रेड फोस्फोरस की रिएक्शन हो रही है एच के साथ वाटर की प्रेजेंस में तो आपको यहाँ पे मिलेगा एच थ्री पी ओ टू हाइपो फोस्फोरस एसिड एच थ्री पी ओ टू और रेड फोस्फोरस की रिएक्शन एन ए ओ सी एल के साथ हो रही हो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको मिलेगा यहाँ पे एच फोर पी टू ओ सिक्स हाइपोफोस्फोरिक एसिड ये मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन आगे फर्दर हम रिएक्शंस कराते हैं एन यू एच के साथ तो so, यहाँ पे देखो इसके केस में अब एक ओ ही प्रेजेंट है दैट मीन्स यहाँ पे एन uh, के साथ रिएक्शन होगी तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एन ए के साथ एन ए आ जाएगा आपके पास एच टू आ जाएंगे एंड पी ओ टू आ जाएगा ठीक है ये अब फर्दर अगर हम एन ओ एच के साथ इसकी रिएक्शन कराना चाहें तो नहीं हो पाएगी क्योंकि और कोई भी यहाँ पे ओ OH एच ग्रोप प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे हाइप, हाइपोफोस्फोरिक एसिड के, के केस में एन ओ एच के साथ रिएक्शन हो रही है एक्सेस में प्रेजेंट है ये अब यहाँ पे देखो फोर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में फोर ओ एच प्रेजेंट है तो फोर एच हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे एन ए के साथ यहाँ पे फोर आ जाएगा पी टू आ जाएगा ओ टेन आ जाएगा और इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो पी टू ओ टेन फोर नेगेटिव सो ये हमने रिएक्शंस कर ली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यहाँ पे आपके ऑक्जो एसिडोफोसफोरस होते हैं इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू गाइज